Hello students, I am Ruchika from English Academy. Today we will study a lesson in English for students of class 9th. Ye aapki moments book ka chapter 8 hai. Chapter ka naam hai A House is Not a Home, written by Zan Gudioso. सबसे पहले इसका टाइटल देखते हैं. यहाँ पे राइटर ने दो वर्ड्स यूज किए हैं, हाउस एंड होम. हमें लगता है कि दोनों सिमिलर हैं, लेकिन एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है दोनों में. हाउस क्या होता है? हाउस इज अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विद सीमेंट, जिसमें एक फैमिली रहती है. एंड व्हाट इज अ होम? होम इज अ प्लेस वेयर अ फैमिली लिव्स एंड शेयर्स एन इमोशनल बॉन्ड विद ईच अदर, वेयर देयर इज लव एंड अफेक्शन. So I hope it is clear to you what is the difference between a house and a home, and what is the writer saying? A house is not a home. एक बार राइटर के साथ एक इंसिडेंट होता है कि उनके घर में आग लग जाती है, उनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है. जितना भी सामान है, उनकी बिलोंगिंग्स हैं, वो स्कूल जाते हैं तो उनका बैग, बुक्स, कपड़े सब खत्म हो जाते हैं. राइटर को ये लगता है कि उसकी लाइफ खत्म हो गई है, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा. लेकिन जब वो देखता है कि उसके आसपास कितने सारे लोग हैं जो उसे प्यार कर रहे हैं, उसे अफेक्शन दे रहे हैं, तो वो ये रियलाइज करता है कि उसका घर जल गया, हाउस खत्म हो गया, लेकिन होम खत्म नहीं हुआ. अभी भी उसके आसपास एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो उसे इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट इज देयर इन अ होम. और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर उनका घर जल भी गया, वो बिल्डिंग जल भी गई, सामान भी खत्म हो गया, तो वो तो उनको दोबारा से भी मिल जाएगा. लेकिन उससे ज्यादा प्रेशियस है होम, जो कि उन लोगों से बनता है जो आपस में एक दूसरे को इमोशनली अटैच करते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. वी डिस्कस द स्टोरी एंड वी डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. Awkward means strange. तो जो राइटर है जैन, ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गए हैं और इन्हें वहां पर बहुत अजीब लग रहा है. क्यों अजीब लग रहा है? After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. Freshman is a student in the first year of high school, college or university. यहां पर राइटर फर्स्ट ईयर में है और इसलिए वो कह रहे हैं कि वो एक फ्रेशमैन है. उन्हें ऑकवर्ड इसलिए लग रहा था क्योंकि जब वो जूनियर हाई स्कूल में थे तो वो क्लास के हेड थे. तो जब वो क्लास के हेड थे और वो सबसे सीनियर मोस्ट क्लास में थे, तो उन्हें स्कूल में एक सीनियोरिटी की फीलिंग मिलती थी, बड़े होने की फीलिंग मिलती थी. वो सब बच्चों पर बड़े होने का रोब मार सकते थे. लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट ईयर में वो सबसे जूनियर हो गए, में उनके सीनियर्स थे जो कि उनकी रैगिंग भी कर सकते थे, उन्हें कुछ भी बोल भी सकते थे, और इसी वजह से उन्हें फर्स्ट ईयर में स्ट्रेंज लग रहा था. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मीन्स लोनली. फर्दर द राइटर सेज दैट ये जो न्यू स्कूल था ये उनके पुराने स्कूल से दो गुना बड़ा था, और उनके जितने भी फ्रेंड्स थे वो अलग अलग हाई स्कूल्स में गए हुए थे, इसलिए वो बिल्कुल अकेले थे. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम. दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल. दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन. अब बार बार राइटर को अपना पुराना स्कूल याद आता था, इसलिए वो अपने टीचर्स को मिलने वहां जाते थे. उनके टीचर्स उन्हें कहते थे कि तुम अपने नए स्कूल में दिल लगाने की कोशिश करो, फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करो, और धीरे धीरे तुम्हें कंफर्टेबल फील होने लग जाएगा. आगे बढ़ते हैं. दे मेड मी प्रोमिस दैट वेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस. राइटर के जो टीचर्स है जो पुराने स्कूल में थे, वो उन्हें ये कहते थे कि अगर तुम्हारा नए स्कूल में दिल लग भी जाएगा तो भी तुम प्रोमिस करो कि तुम हमें मिलने जरूर आया करोगे. राइटर कहते हैं कि उन्हें समझ में आ रहा था कि उनके टीचर्स उन्हें क्या कह रहे थे, वो क्या साइकोलॉजी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे.
वो राइटर को ये कहना चाहते थे कि ऐसा मत समझो कि अभी तुम्हारा दिल नहीं लग रहा न्यू स्कूल में तो ही तुम अपने पुराने स्कूल में आ सकते हो अपने टीचर से मिलने, अगर नए स्कूल में दिल लग भी जाएगा तो भी तुम हमें आकर मिल सकते। और राइटर को ये भी रियलाइज हुआ कि वो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपना दिल छोटा ना कर सके और आराम से अपने न्यू स्कूल में एडजस्ट कर सके। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was a cold and windy fall day and we had a fire going in our fireplace. अब एक संडे के दोपहर की बात है, राइडर अपने घर पर बैठे होमवर्क कर रहे थे। बहुत ही विंडी और ठंडा दिन था और उनके फायरप्लेस में फायर जल रही थी। As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. Purring is the sound made by the cat and swatting is to hit something. Writer ke paas ek pet cat bhi thi aur wo unke saath unke papers ke pile ke upar baithi hui thi aur awaazein kar rahi thi aur saath hi saath unke pen par baar baar हिट कर रही थी ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए। She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. The good life here means a comfortable and a protected life. तो जैसे कि ये जो कैट है, ये जब छोटी सी किटन थी तब इसको राइटर ने रेस्क्यू किया था, यानी कि किसी मुसीबत से बचाया था और इसीलिए कैट को ये लगता था कि राइटर ही एक ऐसा इंसान है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सकता है और एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है और इसलिए ये कैट उसकी कांस्टेंट कंपेनियन थी। माय मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। स्टोकिंग द फायर मींस टू फीड एंड टेंड द फायर। जब भी आप कोई फायर जगाते हैं ना, बार बार आपको जो वुड होती है उसे थोड़ा हिलाना पड़ता है, उसमें नई वुड डालनी पड़ती है ताकि फायर ठीक से जलती रहे। तो राइटर की मदर ऐसे कर रही थी ताकि फायर ठीक से जलती रहे और उनका घर वार्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। सीलिंग क्या होती है? घर की छत, जिसे रूफ भी कहते हैं, उसका अंदर का हिस्सा। राइटर ने एकदम से स्मेल किया, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी और फिर उन्होंने देखा कि छत में से धुआं आ रहा है और एकदम से धुआं इतना बढ़ गया कि उन्हें दिखना भी बंद हो गया। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड। ग्रोपिंग मीन्स टू सर्च ब्लाइंडली। जैसे कि कमरे में धुआं हो गया था, उन्हें दिखना बंद हो गया था, तो उन्होंने ऐसे ब्लाइंडली अपना रास्ता ढूंढा और फटाफट घर में से बाहर यार्ड में निकल आए। यार्ड मीन्स अ वरांडा, एन ओपन एरिया इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। एनगल्फ मीन्स फ्लडेड और सराउंडेड बाय। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, सारे घर की जो छत है वो आग से भर गई थी, आग लग गई थी। I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. Writer अपने पड़ोसियों के घर में गए फायर डिपार्टमेंट में फोन करने के लिए और उन्हें देखा कि उनकी मदर वापस घर में जा रही है। ऑल्दो घर में आग लगी हुई थी तो भी वो घर में वापस जा रही थी। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. I knew what she was after. अब राइटर की मदर क्या कर रही थी? वो फटाफट घर के अंदर गई और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का एक डब्बा बाहर लेके आई, उसने उसे लॉन में फेंका और फिर से घर के अंदर भाग गई। तो वो क्या कोशिश कर रही है? वो जितना भी सामान बचा सकती है उसे बचाने की कोशिश कर रही है। My father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. राइटर के फादर बहुत साल पहले मर चुके थे और उनकी यादगार में उनकी वाइफ के पास सिर्फ उनकी कुछ तस्वीरें और उनके हाथों की लिखी चिट्ठियां थी और वो उन चीजों को बचाने के लिए घर में जा रही थी। They were the only things that she had to remember him by. Still, I screamed at her, "Mom, no!"
राइटर को पता था कि उनकी मदर ये लेटर्स और पिक्चर्स बचाने के लिए घर में जा रही है, लेकिन फिर भी राइटर को चिंता थी कि उसकी मॉम को कोई नुकसान हो सकता है, घर में आग लगी हुई है, इसलिए उन्होंने अंदर जाने से उन्हें रोका। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। इट वॉज अ फायरमैन। I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand. My mother's in there." जैसे ही राइटर अपनी मॉम के पीछे जा रहे थे, उन्हें एक फायरमैन ने रोक लिया। और राइटर ने ये रियलाइज ही नहीं किया था कि उनके घर की स्ट्रीट में फायर ट्रक्स आ गए थे, क्योंकि उन्होंने फायर डिपार्टमेंट में कॉल की थी और वो फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए आ गए थे। राइटर ने उस फायरमैन को कहा कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरी माँ घर के अंदर है, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। He held on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I'd run. He was right. It's all right, they'll get her, he said. अब ये जो फायरमैन है जिसने राइटर को पकड़ा, उसने राइटर को ये कहा कि रुक जाओ, जो बाकी के फायरमैन है वो तुम्हारी मदर को बाहर ले आएंगे। और राइटर को भी ये लगा कि हाँ, उसने लॉजिकली सही काम किया, क्योंकि अगर वो उसे नहीं रोकता तो वो घर के अंदर चला जाता। He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. In tow means behind him. Emerged means came out. ये जो फायरमैन है, इसने राइटर के ऊपर एक ब्लैंकेट लपेट दिया। ब्लैंकेट क्यों लपेटा? जब भी आपने देखा होगा कोई फायर विक्टिम्स होते हैं जिन्हें के रेस्क्यू किया जाता है, तो उनके आसपास ब्लैंकेट लपेट दिया जाता है, ताकि अगर उन पे कोई असर हुआ है उस फायर का, तो वो असर खत्म हो जाए। तो ऐसे ही राइटर पे भी ब्लैंकेट लपेट दिया गया और थोड़ी देर बाद उनकी मदर को भी घर से बाहर निकाल लिया गया। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. Vanished means to go away. Now why did they put an oxygen mask on his mother's face? जैसे कि उसकी मदर घर के अंदर थी और घर के अंदर धुआं ही धुआं भरा हुआ था, तो उससे क्या होता है, इंसान चोक हो जाता है, वो सांस नहीं ले पाता, और इसी वजह से उनके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया ताकि उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए। राइटर अपनी मदर के पास गए और उन्हें जप्पी डाल ली, और कहते हैं कि जितनी भी बार वो उनके साथ बहस करते थे या उनसे नफरत करते थे, वो सारे टाइम्स गायब हो गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थे कि वो अपनी मदर को वापस पा रहे थे। एक बारी राइटर को ये लगा था कि शायद वो अपनी मदर को खो देंगे। शी इज गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर व्हाइल माय मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड। आई रिमेंबर वॉचिंग माय हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। डेज्ड मीन्स टू बी कंफ्यूज्ड। राइटर और उनकी मदर कार में ही बैठे रहे, फायरमैन वापस घर में गया आग को बुझाने के लिए। राइटर ने अपनी आंखों के सामने अपने घर को जलता हुआ खत्म होता हुआ देखा और वो बहुत हेल्पलेस थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे इसे बचाने के लिए। 5 hours later the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. But then it struck me, I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. 5 hours बाद जब आग बुझी, राइटर थोड़े रिलैक्स हुए तो उनको ये रियलाइज हुआ कि उनकी पेट कैट कहाँ है। उन्होंने उसे तो देखा ही नहीं था और वो उसके बारे में भूल गए थे। Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried, I was suffering loss. Big time. Big time means a heavy loss. बहुत ही बड़ा नुकसान। तो राइटर ने रियलाइज किया कि उनकी लाइफ कितनी दुख वाली है, कितनी दुख भरी है। एक तो ये नया स्कूल जहां पे वो लोनली हैं, अकेले हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे वो खुश हो सके। दूसरा उनका घर जो कि आग से जल गया, और तीसरा उनकी पेट कैट जो कि गुम गई। इन तीनों बातों की वजह से राइटर बहुत ज्यादा डिप्रेस थे और रोने लग गए।
The firemen wouldn't let us go back into the house that night. It was still too dangerous. Dead or alive, I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. Although आग बुझ चुकी थी, लेकिन फायरमैन ने उन्हें घर के अंदर घुसने नहीं दिया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डेंजरस था। अब जब आग बुझ चुकी है, तो घर के अंदर जाना डेंजरस क्यों है? क्योंकि जब आग लगती है, तो कुछ ऐसी टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि अभी वहाँ पर हैं, और इन गैसेस की वजह से अंदर जाना डेंजरस हो सकता था। राइटर ने सोचा कि मैं तो अपनी पेट कैट के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे वो जिंदा है चाहे वो मर गई है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। लेकिन जैसे कि अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, उन्हें वहां से जाना पड़ा। उनके पास सिर्फ वही कपड़े थे जो उन्होंने पहने हुए थे और कुछ ब्लैंकेट्स थे जो फायरमैन ने उन्हें दिए थे। इन चीजों के साथ वो राइटर के ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. Casualty means something which is a victim. Writer कहते हैं कि जब आग लगी तब उन्होंने वो dress पहनी हुई थी जो वो church पहन के गए थे और उन्होंने अपने shoes उतार दिए थे। जब वो घर से बाहर भागे तो उन्होंने शूज भी नहीं पहने हुए थे और वो कहते हैं कि उनके जूते भी इस आग में जलकर राख हो गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माय आंट। व्हाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल? माय मदर वुडंट हियर ऑफ इट, बट आई वाज टोटली एम्बैरस्ड बाय एवरीथिंग। अब राइटर को जब अगले दिन स्कूल जाना था तो उनके पास शूज नहीं थे। उन्होंने अपनी आंट से टेनिस शूज बोरो किए और वो स्कूल गए। उन्होंने अपनी मॉम को कहा कि मैं स्कूल से छुट्टी ले लेता हूँ। ऑब्वियसली जब उनके पास अपने शूज नहीं है, अपना सामान नहीं है, अपनी बुक्स नहीं है, बैग नहीं है, तो स्कूल जाना उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगेगा। आप भी इस चीज से रिलेट कर सकते हो कि अगर आपके पास अपनी बिलोंगिंग्स नहीं है, स्कूल का सामान नहीं है, तो आप स्कूल जाना नहीं चाहोगे। लेकिन उनकी मदर ने उन्हें फोर्स किया और वो स्कूल में बहुत एम्बैरेस्ड यानी कि शर्मिंदा फील कर रहे थे क्योंकि उनके पास उनका सारा सामान नहीं था। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैक पैक वॉज गॉन। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन, द वर्स इट गॉट। राइटर कहते कि जो मैंने कपड़े पहने हुए थे वो भी अजीब थे, मेरे पास बुक्स नहीं थी, बैग नहीं था, होमवर्क नहीं था, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। Was I destined to be an outcast and a geek all my life? Destined means future developed as per a predestined plan. अगर आपका future पहले से ही planned है, that is called destiny. Outcast is a person rejected by society. अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे कि society accept नहीं करती है, that person is called an outcast. And geek is an unfashionable or socially inept person. Again, एक ऐसा इंसान जो कि society में fit in नहीं होता, जो कि society के norm से अलग type में जिंदगी जीता है। तो writer को ऐसा feel होता है कि शायद उनकी destiny में ये लिखा है कि वो अपने school की जो society है, school के जो बाकी लोग हैं, उनसे अलग way में जिएंगे। उनकी life वैसी नहीं थी जैसे कि बाकी बच्चों की थी, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा sad थे। That's what it felt like. I didn't want to grow up, change, or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. अब देखिए, राइटर इतने ज्यादा डिप्रेस हो गए थे कि उनका ये मन कर रहा था कि वो कहीं पर जाकर लेट जाएं और मर जाएं। He did not want to live. Why was he so depressed? Because he felt that he did not fit into the society of his high school. He felt that he didn't have his belongings. आज उनके पास उनकी books नहीं है, bag नहीं है, proper dress नहीं है, shoes नहीं है। ये सब चीजें क्या है? ये सब materialistic things है। लेकिन ये सब चीजें जब नहीं है तो भी जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि उनकी life का end आ गया। वो ये नहीं सोचते कि उनके पास इससे ज्यादा बड़ी चीज है। वो क्या है? Love, affection of their parents.
That is more valuable and that is what the writer will realize after some time. आगे स्टोरी पढ़ते हैं. I walked around school like a zombie. Zombie is a dull and apathetic person. एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा दुखी होता है, लाइफ से डिप्रेस्ड होता है. Everything felt surreal. Surreal means unreal, strange or bizarre. And I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. Ripped away means torn apart. आपसे कोई चीज अगर छीन ली जाए, उसे खत्म कर दिया जाए. अब राइटर को इतना स्ट्रेंज, इतना अजीब क्यों लग रहा था? वो इतने डल क्यों थे? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं. उन्हें इनसिक्योर क्यों लग रहा था? क्योंकि एक तो वो नए स्कूल में थे जहां पे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो उन्हें लग रहा था कि उनको उनका पुराना स्कूल चाहिए जो कि उनसे छीन लिया गया है, उनके पुराने फ्रेंड्स छीन लिए गए हैं, उनका घर भी छीन लिया गया है और उनकी पेट कैट भी छीन ली गई है. तो उन्हें लग रहा था कि उनके पास कुछ भी नहीं है और इसीलिए वो इतने ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे थे और इतने ज्यादा दुखी थे. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and the chemicals they had used to put out the fire. उस दिन वापस जाते वक्त राइटर अपने जले हुए घर पर गए और वहां उन्होंने देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका था, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था. जो भी सामान आग से नहीं जला था वो वैसे डिस्ट्रॉय हो गया था. जब फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के लिए पानी डाला और केमिकल्स यूज किए तो उनकी वजह से बाकी की चीजें वैसे ही खराब हो गई, खत्म हो गई. द ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज्ड टू हीरोइकली रेस्क्यू, बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एच्ड फॉर हर. Now again, the material things refers to physical things, जो सामान है, जो चीजें हैं. तो जो सामान नहीं जला था, जो खराब नहीं हुआ था, वो वही सामान था जो राइटर की मदर ने घर के अंदर वापस जाकर टाइमली बचा लिया था. बाकी जो भी सामान घर के अंदर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था और राइटर की जो पेट कैट है वो भी जा चुकी थी और वो बहुत ज्यादा दुखी थे. There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to buy some clothes for school. Writer realize करते हैं कि उनके पास दुख मनाने का time नहीं है. उनकी mother उनको ये कह रही है कि अब हमें एक नया घर ढूंढना पड़ेगा और हमें अपने लिए नए कपड़े खरीदने होंगे. तो उन्हें अपनी life एक बार फिर से नए सिरे से start करनी पड़ेगी. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even an identification to be able to withdraw money from the bank. अब देखिए उनकी हालत कितनी खराब हो गई है. फायर में जैसे कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं. तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं है, कैश भी नहीं है जिसकी मदद से वो बैंक जा सके और अपने पैसे निकाल सके. इसलिए उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे बोरो किए. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, यानी कि सब कुछ जलकर राख हो गया था. दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी अ हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट. तो अब जैसे कि घर जल के खत्म हो चुका था, अब जो रबल है, जो रिमेन्स थी, वो भी वहां से हटा दी गई थी. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्री, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. Vulnerable means weak and easy to influence. जैसे कि उन्होंने वहां से घर का सारा जो डेब्री है, जो रिमेन्स है, वो हटा दिया था, फिर भी राइटर वहां पर जाते थे इस होप में कि शायद उन्हें उनकी पेट कैट मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली. और राइटर हमेशा यही सोचते रहते थे कि वो एक छोटा सा किटन है जिसे उन्होंने बचाया था, जो कि बहुत ही कमजोर था. इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, क्लाइंब अप माय रोब एंड क्रॉल इनटू माय पॉकेट टू फॉल अस्लीप. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली. रोब इज अ गाउन.
राइटर कहते हैं कि जब वो सुबह उठा करते थे तो उनकी कैट भी उनके साथ ही उनके पीछे पीछे आया करती थी, उनके गाउन के ऊपर चढ़ के वो उनकी पॉकेट में बैठकर सो जाती थी और राइटर उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. Plight is a sad story. Writer कहते हैं कि school में सबको, teachers को, students को पता था कि writer के साथ क्या हुआ है, उनके घर में आग लग गई है। I was embarrassed as if somehow I was responsible. इस सब चीज से writer को embarrassed feel होता था, ऐसा लगता था उन्हें कि शायद उनकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है। What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. अब जैसे कि सब लोग राइटर को अटेंशन दे रहे थे, सब कंसर्न थे क्योंकि इनके घर में आग लग गई थी, लेकिन वो इस तरह की अटेंशन नहीं चाहते थे। वो तो ये चाहते थे कि वो स्कूल के हीरो बने, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो, बहुत ही ज्यादा फेमस हो। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब तो लोग उनके लिए कंसर्न थे कि हाय बेचारे के घर में आग लग गई, बेचारे का सारा सामान जल गया। वो ऐसी सिंपति और ऐसी पिटी नहीं चाहते थे। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। फिर वो कहते हैं कि स्कूल में अगले दिन लोग और भी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप। मिलिंग अराउंड मीन्स मूविंग अराउंड एमलेसली। राइटर जिम में जाने के लिए तैयार हो रहे थे लेकिन उनके आसपास स्टूडेंट्स आकर उन्हें कह रहे थे कि जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। अब राइटर को ये बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इतना अजीब हुआ था उनके साथ कि अब उन्हें किसी भी चीज से हैरानी नहीं होती थी। अब उन्हें ये नहीं लग रहा था कि पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रही हैं। It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. Shove means to push hard. उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सारे स्कूलमेट्स, सारी क्लासमेट्स उन्हें जिम में धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. अब जब वो जिम में गए तो उन्होंने क्या देखा? एक बहुत बड़े टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है राइटर के लिए। तो ये कैसा तरह का सामान था? उनकी क्लास के सब बच्चों ने चीजें इकट्ठी की थी उनकी मदद करने के लिए, जैसे कि उनका सारा सामान आग में जलकर खत्म हो गया था। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. Now this is the kind of affection that I was talking to you. अब उनके क्लास के सभी बच्चों ने क्या किया? उन्होंने पैसे कलेक्ट किए और राइटर के लिए सामान खरीदा। जो भी सामान उनके जल गया था वो सब चीजें बच्चों ने उनके लिए इकट्ठी की और राइटर को ऐसे लग रहा था कि क्रिसमस टाइम है, क्योंकि क्रिसमस टाइम में क्रिश्चियंस एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, तो उन्हें इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे थे और वो बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे थे क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिनसे वो कभी मिले भी नहीं थे वो भी उनके पास आ रहे थे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे क्योंकि वो राइटर के लिए कंसर्न थे। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस। Their genuine outpouring of concern really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. Now you see what is the importance of human relations? और इनके सामने जो material things हैं वो कितनी छोटी हैं। जब इतने सारे बच्चे राइटर को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें अपने घर पर इनवाइट कर रहे थे, उनके लिए चीजें ला रहे थे, तो राइटर को इतना अच्छा लगा, उन्हें इतना रिलीफ फील हुआ और उन्हें फर्स्ट टाइम ये लगा कि उनके साथ जो गलत हुआ है वो एक दिन ठीक हो जाएगा। तो ये जो सपोर्ट है, ये जो सहारा है, ये इन्हें किससे मिला? ह्यूमन बींग से। इसीलिए ह्यूमन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिंग अ बॉन्ड ऑफ लव, इमोशन, giving support to others is very important.
A month later, I was at my house watching them rebuild it. But this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. अब राइटर का घर दोबारा से बन रहा था तो वो वहां पर बैठे हुए थे और उनके साथ उनके दो फ्रेंड्स भी थे। राइटर ने रियलाइज किया कि जो फायर की ट्रेजेडी है इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सीखी, वो क्या थी? फ्रेंड्स बनाना। वो अपनी इनसिक्योरिटी का जो जोन है उससे बाहर निकले और उन्होंने ये रियलाइज किया कि बाहर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि उनके फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। और जब उन्होंने अपना घर बनता हुआ देखा तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनका घर तो बन ही रहा है, साथ ही साथ उनकी लाइफ भी दोबारा से बन रही है। इस फायर के इंसिडेंट के बाद राइटर ने ये सीखा कि लाइफ में लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना, नए नए दोस्त बनाना, बॉन्डिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. Leapt up means I jumped up. Curb means the edge of the pavement. Pavement ka jo gol kinara hota hai. To jab writer aur unke friends पेवमेंट की एज पर बैठे हुए थे और देख रहे थे कि उनका घर बन रहा है, कोई पीछे से आया और उन्होंने राइटर से पूछा कि क्या ये तुम्हारा है। जब राइटर घूमे तो उन्होंने क्या देखा कि एक वुमन खड़ी हुई है और उसके गोदी में राइटर की कैट है, राइटर की पेट कैट। तो राइटर एकदम से छलांग लगाकर उठे और उन्होंने अपनी कैट उससे ले ली। I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. तो एक बार फिर से राइटर बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि जो उनकी पेट कैट है जिसके गुम हो जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी थे वो भी उन्हें मिल गई और उनके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा खुश थे और उनकी खुशी में शामिल हो रहे थे। Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Freaked means behaved irrationally. अब जब घर में आग लगी तो राइटर की कैट इतना घबरा गई कि वो भागते 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 घर से बहुत दूर चली गई। Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. Sorely missed means missed a lot. अब कैट का जो कॉलर पहना हुआ था, कॉलर क्या होता है, नेक के ऊपर जो पटा होता है, उसके ऊपर राइटर के घर के फोन नंबर्स थे, लेकिन आग में उनके फोन्स भी डिस्कनेक्ट हो चुके थे। लेकिन ये जो वुमन है जिसने इस कैट को ढूंढा, उसने इतनी मेहनत की कि उसने ये पता लगाया कि जो फोन नंबर है ये किसके हैं, कहाँ पर लगे हुए हैं, और फिर वो वहां पर आई और उसे राइटर मिले और उसने उन्हें वो उनकी कैट दे दी। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life and my new friends, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. Tragedy means mishap, ek hadsa, and diminish means to fade off, khatam ho jana. Gratitude means thankfulness. राइटर कहते हैं फाइनली जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे, उनकी गोदी में उनकी कैट थी, तो जो भी उनके अंदर फीलिंग्स थी कि उन्होंने कितना कुछ खो दिया है, उनके साथ कितनी ट्रेजेडी हुई है, कितने सैड थे, वो सारी फीलिंग्स खत्म हो गई और राइटर के अंदर एक नई फीलिंग आई, वो क्या थी? थैंकफुलनेस की। द राइटर वॉज थैंकफुल फॉर ऑल द काइंडनेस ऑफ people around him. He was thankful to his friends. He was thankful to the stranger woman who got his cat back.
And he was thankful to God who gave him back his pet cat. So finally, the writer says that unki cat bhi wapis aa gayi aur wo bhi wapis aa gayi. ये जो thankfulness की feeling है, gratitude की feeling है, ये बहुत ज़्यादा important है. We should all be thankful और हमें हर रोज उन सब लोगों को thanks करना चाहिए जिनकी वजह से हमारी life अच्छी होती है. So okay, with this we come to an end of this chapter. Thank you for watching this video. And if you like the video, do hit the like button, share this video with your friends. And for more such lessons, please subscribe to our channel, English Academy.